मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें यूएमबी न्यूज को। और किस जिले की आप मौसम जानकारी जानना चाहते हैं हमको नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए जानते हैं पूरे देश के मौसम का हाल। यूपी समेत कई राज्यों में बना रहेगा बारिश का दौर। कश्मीर और हिमाचल में हो सकती है बारिश बर्फबारी। देश के कई इलाकों में बारिश का दौर बना हुआ है। मौसम विभाग की ओर से अभी ये दौर जारी रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की में हल्की बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरल समेत दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में बादल बरस सकते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। कई राज्यों में बारिश का पूर्वानुमान। स्काईमेट वेदर के मुताबिक देश के कई इलाकों में आज भी मौसम का तेवर बिगड़ा रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर राजस्थान और बिहार के छत्तीसगढ़ और आंतरिक आंध्र प्रदेश में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, उत्तरी राजस्थान के कई हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है। 1 से 4 दिसंबर के दौरान उत्तरी तटीय तमिलनाडु, पांडिचेरी में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और 2 से 4 दिसंबर के दौरान अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पिछले 3 दिनों से मौसम का तेवर बदला हुआ है। बदली बारिश के कारण कई इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 18 जिलों में आज भी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। आज यूपी के इन जिलों में बारिश की चेतावनी। यूपी मौसम विभाग के मुताबिक आज झांसी, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर, जालौन, कानपुर देहात, कानपुर, फतेहपुर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर में बारिश होने की संभावना है। 2 दिसंबर के बाद मौसम में बदलाव आएगा और तापमान में गिरावट आना शुरू हो जाएगी और ठंड के तेवर तीखे होंगे। एमपी के इन जिलों में येलो ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग के उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, डिंडोरी, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, रायसेन, सीहोर, बुरहानपुर, देवास, सिरीवा और ग्वालियर में संभाग के अनूपपुर, शहडोल, अलीराजपुर, धार, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, आगर, मालवा, भिंड, मुरैना, निवाड़ी, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, खंडवा, खरगोन, बड़वानी जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, दौसा समेत कई शहरों में आज भी कोहरा छाया रहा। बीकानेर और गंगानगर एरिया में कोहरा छाने के साथ हल्की सर्द हवाएं चलने से तापमान में गिरावट हुई है। मौसम विभाग ने हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर के एरिया में कहीं कहीं बादल छाने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज भरतपुर, अलवर, हनुमानगढ़ के कुछ एरिया में लोकल स्तर के बादल बनने और कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। भरतपुर में आज सुबह से हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान का असर बिहार में देखने को मिल सकता है। रविवार 3 दिसंबर को राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य जिलों में आंधी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के भीतर औरंगाबाद, सासाराम, बक्सर, आरा, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, जहानाबाद, छपरा और लखीसराय जिले के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। बता दें कि बिहार के कई जिलों में बीते गुरुवार से बादलों की आवाजाही और पूर्वा हवाओं का प्रभाव देखा जा रहा है। इस कारण बीते 24 घंटों के भीतर दक्षिण बिहार के कई जगहों पर बूंदाबांदी देखी गई। मौसम विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक गया, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, पटना, नवादा, बक्सर और जहानाबाद जिलों में हल्की बारिश हुई है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मौसम की ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।